हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग देखने वाले हैं लेसन टू, जिसका नाम है द सिमेट्री ऑफ द सेटा डी इफ, इंग्लिश क्लास एट। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर का जो नाम है उसके बारे में समझते हैं। द सिमेट्री, सिमेट्री का मतलब होता है कब्र, जिसमें इंसान दफनाए जाते हैं उनकी डेथ होने के बाद। ऑफ द सेटा, सेटा का एक तरह का फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन है या फ्रेंच नेम है, तो काफ़ी अजीब लग रहा होगा। तो सेटा का मतलब होता है एक फोर्ट, मीन्स कि एक किला होता है। डी इफ, डी का मतलब यहाँ हो जाएगा ऑफ, इफ क्या है, एक जगह का नाम है। तो बेसिकली इसमें बताया जा रहा है कि ये किला होता है समुद्र के बीचों बीच, और उस किले का नाम रहता है सेटा डी इफ, ठीक है। या हम बोल सकते हैं जो किला होता है वह इफ नामक जगह पर मौजूद होता है, और उस किले में या उस किले पर एक जेल रहता है, ठीक है। और उस जेल में बेसिकली दो कैदी रहते हैं। पहले कैदी का नाम होता है एडमोंस डांटेट्स और दूसरे कैदी का नाम होता है एबिफारिया। तो चलिए आगे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है इस लेसन में। द काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो, अ क्लासिक एडवेंचर नोवेल बाय फ्रेंच ऑथर अलेक्जेंडर ड्यूमस, यानी द काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो का एक तरह का बुक का नाम है या एक नोवेल का नाम है, जो कि काफी फेमस राइटर के द्वारा लिखा गया है, जिसका नाम है अलेक्जेंडर ड्यूमस। इसमें बताया गया है एक एडमोंस डांटेस के बारे में, जो एक तरह का वो इंसान है, इज इनजस्टली इम्प्रिजन फॉर 14 ईयर्स इन द सेटा डी इफ, मीन्स कि उसको, वो बेगुनाह था, इसके बावजूद भी उसको जेल में 14 साल तक रखा गया था उस किले पर। सेटा डी इफ का मतलब होगा अ फोर्ट्रेस ऑन द आइसलैंड ऑफ इफ, यानी आइसलैंड ऑफ इफ का मतलब होता है जो आइसलैंड है इफ नामक जगह पर मौजूद है। कहां पर? फ्रांस में। डांटेस सेक्रेटली बिफ्रेंड एबिफारिया, जो डांटेस होता है वो एबिफारिया से उसकी दोस्ती हो जाती है। एबिफारिया कौन रहता है? उसी के साथ जेल में रहने वाला दूसरा व्यक्ति रहता है। Who tells him about an immense treasure that he can claim once out of prisons? यानी दोनों फ्रेंड, या जो अभिफारिया है वो बात करता है दूसरे फ्रेंड से और कहता है कि अगर हम लोग इस जेल से बचकर बाहर निकल जाते हैं तो मुझे किसी खजाने के बारे में पता है, और उस खजाने को हम लोग अपने अंडर में ले लेंगे अगर हम किसी तरह से बाहर निकल जाते हैं। They plan to escape together, और वे दोनों दोस्त आपस में प्लान करते हैं बाहर जाने के लिए, मीन्स कि उस जेल से बचकर बाहर जाने के लिए। बट फारिया डाइज, लेकिन जो फारिया होता है उसका दोस्त, वो किसी कारणवश उसकी डेथ हो जाती है, मृत हो जाती है। सैटर्ड बाय हिज फ्रेंड डेथ बट अनडेटर्ड, डांटेस मेक अ डेयरिंग प्लान टू एस्केप अलोन, यानी जैसे ही उसके दोस्त यानी अभी फारिया की डेथ हो जाती है उस जेल में, तो जो दूसरा हम बोल सकते हैं उसका फ्रेंड होता है जिसका नाम रहता है एडमोंड डांटेस, वो काफ़ी दुखी हो जाता है, वो हिल जाता है अंदर से, और उसके मन में काफ़ी बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं और वो पूरी तरह से डर जाता है। और इसके बाद से वो प्लान बनाता है कि मैं इस जेल से किसी न किसी तरह से मैं बचकर बाहर जाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं इस मेन चैप्टर को। दिया है ऑन द बेड एट फुल लेंथ इल्यूमिनेटेड बाय द फेंटली इल्यूमिनेटेड बाय द पेल लाइट फ्रॉम द विंडो, मीन्स कि जो डांटेस था वो अपने, हम बोल सकते हैं जो जेल होती है ना वो अलग अलग बटा रहता है, तो अपने कोच में वो बैठा हुआ था। कहाँ पर बैठा हुआ था? मीन्स कि बेड पर बैठा हुआ था, और उसके उस कमरा में क्या था, या रूम में हम बोल सकते हैं, एक लाइट आ रही थी पीले कलर की, ठीक है, बाहर से उसके विंडो से, खिड़की से। ले अ सैक ऑफ कैनवास एंड अंडर इट्स फोल्ड वाज स्ट्रेच्ड अ लॉन्ग एंड स्टिफिंड फॉर्म, और उसी के पास क्या था, एक बोरी रखा हुआ था, ठीक है, बोरी रखा हुआ था फोल्ड करके बांध करके। इट वाज फारिया, कौन था वो? फारिया था, यानी उस बोरी में फारिया की लाश थी, क्योंकि वो डेथ हो गया था उसका, तो वहाँ के जो लोग थे ना, जो जेलर थे या कोई पुलिस वगैरह थे, तो उसको क्या किए थे कि लोग बोरी में भरकर उसको बांध दिए थे। एवरीथिंग वॉज इन रेडीनेस,
रेडीनेस का मतलब क्या हो जाता है कि जो हम बोल सकते हैं डांटर्स था वो काफी एक्साइटेड था, उत्सुक था। अ बैरियर हैड बीन प्लेस्ड बिटवीन डांटर्स एंड हिज ओल्ड फ्रेंड। नो लॉन्गर कुड एडमोंड लुक इनटू दिस वाइड ओपन आइज। कहने का मतलब कि जैसे ही उसकी फ्रेंड की डेथ हो जाती है तो वो दोनों अलग हो जाते हैं और काफी दुखी हो जाते हैं। और जो डांटेड्स था ना, एक्चुअली में वो बात नहीं कर पा रहा था किसी से, वो अकेले था, मीन्स कि वो काफी लॉनली हो गया था। विच हैड सीम्स टू बी पेंट्रेटिंग द मिस्टीरियस ऑफ डेथ। नो लॉन्गर कुड ही क्लैस्प द हैंड विच हैड डन सो मच टू मेक हिज एग्जिस्टेंस ब्लेस्ड। मीन्स कि अब वो कभी भी उससे बात नहीं कर सकता था क्योंकि उसके जो फ्रेंड था एक्चुअली में उसकी डेथ हो चुकी थी। फारिया द बेनिफिशिएंट एंड चीयरफुल कंपेनियंस कंपेनियन विथ होम ही वॉज अक्यूस्टमेट टू लिव सो इंटीमेटली नो लॉन्गर बिट्रेथ। यानी जो डांटर्स था वो अपने फ्रेंड के बारे में सोच रहा था कि जिसके साथ मैं रह रहा था, टाइम स्पेंड कर रहा था, बातें कर रहा था, अपने दिल की बात को शेयर कर रहा था, वो अब हमारे साथ नहीं रहा। अब वो अपने सांस को नहीं ले रहा है, मीन्स कि वो उसकी ब्रेथ जो है, सांस है, वो नहीं चल रही है। डांटेड सीटेड हिमसेल्फ ऑन द इज ऑफ द टेरिबल बेड एंड फेल इन द मेलोंकली एंड ग्लूमी रिवरीज। मीन्स कि जो डांटेड था उसका फ्रेंड, वो बैठ जाता है बेड पर और वो काफी भावुक हो जाता है, सोचने लगता है अपने फ्रेंड के बारे में कि ये हमारे साथ क्या हो गया। अलोन ही वॉज अलोन अगेन। यानी फिर से एक बार वो, इसका जो फ्रेंड था वो अलोन हो गया था, मीन्स कि अकेला हो गया था। अगेन फेस टू फेस विथ नथिंगनेस। अलोन नेवर अगेन टू सी द फेस, नेवर अगेन ही द वॉइस ऑफ द ओनली ह्यूमन बींग हु यूनाइटेड हिम टू अर्थ। यानी जिसके साथ ये मिलजुल कर रहता था, मीन्स कि जो वो फोर्ट था, किला था, वहां पे यही सिर्फ दो लोग रहते थे, कैदी। तो जिससे क्या था ना, ये लोग काफी अलग थे उस दुनिया से, तो इसीलिए इसको काफी दर्द होता है, काफी महसूस होती है, फीलिंग्स होती है, काफी बैड फीलिंग्स होती है कि जो मेरा दोस्त था वो इतना अच्छा था, मैं उससे बातें शेयर करता था, कुछ कहता था, ठीक है, वो जवाब देता था, और इस तरह से वो मुझे छोड़कर चला गया। वॉज नॉट फेर इज फैट द बेटर आफ्टर ऑल द आइडिया ऑफ सुसाइड विच हिज फ्रेंड हैड ड्राइवन अवे एंड केप्ट अवे हिज चीयरफुल प्रेजेंस। इसके बाद जैसे ही इसका जो फ्रेंड है वो बैठा रहता है, उसको सुसाइड करने की कुछ आइडिया दिमाग में आती है और ये सोचता है कि मैं अकेले जीकर इस दुनिया में क्या करूँगा, चलो सुसाइड ही कर लेता हूँ। विच हिज फ्रेंड हैज ड्राइवन अवे एंड केप्ट अवे बाई हिज चीयरफुल प्रेजेंस नाउ हावर लाइक अ फैंटम ओवर द एबिस डेड बॉडी। मीन्स कि जो एबिस था उसकी डेड बॉडी को देखकर वो भ्रम उसके दिमाग में आ रहा था, वो काफी डर गया था, उसके दिल में काफी दर्द हो रहा था क्योंकि उसका जो फ्रेंड है वो अब इस दुनिया में नहीं था। बट एक्सेसिव ग्रीफ इज लाइक अ स्टॉर्म एट सी वेयर द फेल बार्क इज टॉस्ड फ्रॉम द डेप्थ टू द टॉप ऑफ द वेव। यानी उसको इस तरह से दर्द हो रहा था इसके दिल में जैसे कि समुद्र में लहर उठती है और जो लहर उठती है ऊपर आके फिर से नीचे आती है और नीचे जाकर फिर से ऊपर आती है। डांटेड रिकॉइल्ड फ्रॉम द आइडिया ऑफ डेथ एंड पास सडनली फ्रॉम डिस्पेयर टू एन अर्डेंट डिजायर फॉर लाइफ एंड लिबर्टी। यानी इसी तरह की बातें वो सोच रहा होता है, तभी उसके बाद दिमाग में आती है कि नहीं, क्या करता है, डिस्पेयर। डिस्पेयर का मतलब होता है अचानक अपने जो इच्छा होती है उसको चेंज कर देता है, ठीक है। अर्डेंट डिजायर में, अर्डेंट डिजायर का मतलब होता है कि जीने की इच्छा में चेंज कर देता है और वो सोचता है कि मैं अपने लाइफ को ऐसे ही जायज नहीं होने दूंगा, मैं कभी भी सुसाइड नहीं करूंगा। इसके बाद से क्या होता है, डाई ओ नो ही एक्सक्लेम्ड, नॉट डाई नाउ आफ्टर हैविंग लिव्ड एंड सफर सो लॉन्ग एंड सो मच, नो आई वॉन्ट टू लिव। इसके बाद से कहता कि मैं कभी भी डाई मीन्स कि नहीं मरूंगा या कभी भी अपने आप को मारने की कोशिश नहीं करूंगा क्योंकि मैंने काफ़ी हम बोल सकते हैं दर्द सहा है और हमने काफ़ी टाइम मीन्स कि 14 साल इस कारागार में या इस जेल में बिताई है, तो मैं अब जीना चाहता हूँ। आई शैल स्ट्रगल टू वेरी लास्ट, मुझे लास्ट तक स्ट्रगल करना होगा अपने लाइफ के लिए।
I'll yet with back the happiness which I have been deprived of. और मैं किसी तरह से अपने लाइफ में फिर से उस खुशियाँ को लाऊंगा जिसके लिए भगवान ने मुझे भेजा है. As he said this, he became silent and gazed straight before him like an overwhelmed with a strange and amazing thought. जैसे ही चीजें ये बोलता है अपने मन में तो वो शांत पड़ जाता है, मीन्स कि वो चुपचाप बैठ जाता है जस्ट गॉड और भगवान के बारे में वो सोचने लगता है. ही मटर्ड व्हेन कम्स दिस थॉट अ थॉट इज इट फ्रॉम दी, यानी कहता है कि जो थॉट ये आया है जीने का वो मेरे अंदर से आया है. सिंस नॉन बट द डेट पास फ्रीली फ्रॉम दिस डंजियन लेट मी टेक द प्लेस ऑफ डेट. इसके बाद से कहता है कि भले ही मुझे कुछ भी करना पड़े लेकिन मैं अपने लाइफ के लिए जीऊंगा. नेक्स्ट विदाउट गिविंग हिमसेल्फ टाइम टू रिकंसीडर हिज डिसीजंस ही बेंट ओवर द श्राउड ओपेंड इट विद द नाइफ द फारिया हैड मेड. श्राउड का मतलब हो जाएगा जो कफन में लपेट के उसके दोस्त का लाश रखा हुआ था, ठीक है, वो क्या करता है उस लाश को बेसिकली एक चाकू की मदद से वो बाहर निकालता है. ड्रू द कॉप्स फ्रॉम द सेक एंड बोर इट अलोंग द टनल. उस लाश को निकाल के क्या करता है एक टनल बनाया रहता है वो अपने खुद से, और उसका जो दोस्त होता है द पढ़ते हैं इसको दैट ही हैंड फारिया हैंड सेक्रेटली एंड लेबरसली डग, यानी ऐसा टनल था जो फारिया था और उसका जो दोस्त था दोनों लोग मिल के उसको डग किए थे, खुदाई किए थे एक्चुअली में उस टनल की. तो वो क्या करता है अपने दोस्त की लाश को लेकर वो एक्चुअली उस टनल में जाता है उस चैम्बर में. ही लेड द बॉडी ऑन हिज कोच टाइट अराउंड इट्स हेड द रग ही रॉट एट नाइट. इसके बाद से क्या करता है उस लाश को अपने चैम्बर में जहाँ पर वो सोता था वहाँ पर उसको रख देता है बांध कर. कवर्ड इट विद द हिज काउंटर पैन. काउंटर पैन का मतलब होता है कि जो हम बोल सकते हैं बिस्तर का बिस्तर होता है ना, या जो बिस्तर के जो इस तरह के बेड शीट हो गया या हम बोल सकते हैं रजाई वगैरह हो गया इस तरह का, तो उससे क्या करता है उसको कवर कर देता है उस लाश को. एंड टर्न द हेड टुवर्ड द वॉल, और उसकी जो हेड था सर था वो दीवार की तरफ कर देता है. सो दैट द जेलर माइट व्हेन ही ब्रॉट द इवनिंग मील बिलीव दैट ही वॉज एस्लीप. यानी ये इसलिए किया गया ताकि वो सोच रहा था कि अगर जेलर इसको खाना देने आए तो वो समझे कि मैं सो रहा हूँ. एज वॉज ही फ्रिक्वेंट कस्टम डांटेस इंटर द टनल अगेन ड्रू द बेड अगेंस्ट द वॉल रिटर्न टू द अदर सेल. मीन्स कि वहाँ पे क्या करता जहाँ पे उस चैम्बर में रह रहा होता है पहले डांटेस, वो अपने दोस्त का लाश अपने बिस्तर की जगह पर रख देता है ढक कर बिस्तर से ताकि कोई शक ना करे कि वहाँ पर वो नहीं है. और इसके बाद से जो टनल खुदा हुआ था उस टनल के थ्रू वो उस चैम्बर में चला जाता है जहाँ पर उसके दोस्त की लाश थी. टुक फ्रॉम द हाइडिंग प्लेस द नीडल एंड थ्रेड एंड गेटिंग इनसाइड द सेक. इसके बाद से उसने क्या किया डांटेस ने कुछ सुई लिया और कुछ धागा लिया और सेक मीन्स होता है बोरी, और वो बोरी के अंदर घुस गया. बोरी के अंदर घुस के क्या करने लगा वो placed himself in the posture in which the dead body had been laid. यानी इस पोस्चर में वो उस बोरी में घुस गया जैसे कि उसमें डेड बॉडी रखी हुई है. And sewed up the mouth of the sack from the inside. और उसमें बैठ कर वो क्या किया जो बोरी की मुँह होती है, ठीक है, जो बोरी की इंड होती है उसको सिल देता है उस सुई धागे से. Now his plan were fully made. अब वो पूरी तरह से उसके जो प्लान था वो तैयार हो चुका था. And this is what he intended to do if while he was being carried out the grave diggers. Grave digger का मतलब होता है कब्र खोदने वाला. Should discover that they were burying a live instead of a dead body, Dantes did not intended to give them time to ignore, recognize him. Means कि जो Dantes था वो सोच रहा था एक्चुअली में जो मुझे जो कब्र मीन्स कि उसका जो दोस्त था वो मर गया था, ठीक है, तो उसको दफनाने के लिए लोग जाते हैं या उसको फेंकने के लिए लेके जाते हैं, तो वो सोच रहा था क्यों ना मैं अपने दोस्त के जगह पे मैं लेट जाता हूँ और मुझे उसी बहाने मरा हुआ समझ के फेंक देंगे ताकि मेरी जो जान है वो बच जाएगी. तो वो क्या होता है एक्चुअली में कि यहाँ पर वो सोच रहा था कि अगर जो कब्र खोदने वाले हैं
कहीं मुझे जान ना जाए कि वो जो लेके जा रहे हैं बोरी में वो जिंदा इंसान है ना कि मरा हुआ। तो वो इस तरह की चीजें ना हो तो वो क्या कर रहा था, प्लान बना रहा था। बट विद अ सडन कट ऑफ द नाइफ ही मीन्ट टू ओपन द सैक फ्रॉम द टॉप ऑफ बॉटम्स एंड एस्केप इफ दे ट्राई टू कैच हिम। इसके बाद वो सोचता है चलो ठीक है, अगर मैं उस बोरी में जाता हूँ, अगर मुझको पहचान लेते हैं तो मेरे पास चाकू है, ठीक है, और मैं उस चाकू के थ्रू उस मुंह को खोलूंगा और वहाँ से भागने की कोशिश करूँगा अगर वो लोग मुझको पकड़ने की कोशिश करते हैं। ही वुड यूज दिस हिज नाइफ टू बेटर पर्पस। और वो कहता है कि मैं अपने चाकू को क्या करूँगा, यूज करूँगा उनके विरुद्ध, क्योंकि मैं उनसे बचना चाहता हूँ। इफ दे टुक हिम टू द सिमेट्री एंड लैड हिम इन अ ग्रेव, ठीक है, वो कहता है अगर मुझे कब्रिस्तान में ले जाते हैं और लैड इन अ ग्रेव, ग्रेव का मतलब यहाँ पर हो जाएगा एक्चुअली में यहाँ पे एक तरह का होता है कि खोदना, ठीक है, ग्रेव मीन्स कि जो खुदा हुआ जगह होता है वहाँ पर अगर वो लोग लेटा देते हैं। ही वुड अलाउ हिमसेल्फ टू बी कवर्ड विद द अर्थ, वो क्या करेगा अपने आप को अलाउ कर देगा, मीन्स कि वो चुपचाप उस गड्ढे में सो जाएगा और वो लोग क्या करेंगे ऊपर से मिट्टी डाल देंगे। तो कहता है कोई दिक्कत नहीं अगर मुझे लेटा कर उस गड्ढे में ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं। देन एज इट वॉज नाइट द ग्रेव डिगर्स कुड सेक्रेसली हैव टर्न देयर बैक बिफोर ही वुड हैव वर्कड हिज वे थ्रू द सॉइल एंड स्कैप्ड। इसके बाद से कहता है कि अगर मुझे मिट्टी में मीन्स कि गड्ढे में डालकर मिट्टी से ढक देते हैं तो उसके बाद से क्या होगा, रात का समय रहता है, जैसा कि रात का समय में रहेगा तो मैं अगर वो जैसे ही मुझे ढक कर जाएंगे तो मैं क्या करूँगा उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करूँगा और धीरे धीरे मैं रात को बचकर वहाँ से निकल जाऊँगा। द फर्स्ट रिस्क दैट डांटेस रन वॉज दैट द जेलर when he brought him his super at 7 o'clock might perceive the change that had been made. इसके बाद से सोचने लगता है कि अगर जो जेलर है मुझे खाना देने के लिए शाम को आएगा तो कहीं वो पहचान न ले कि वहाँ पर मैं नहीं हूँ, एंड दस डिस्कवर ऑल, और अगर पहचान लेता है तो वो सारी चीज़ें क्या कर लेगा, पहचान लेगा, मीन्स कि मुझे सारी जो चीज़ें हैं वो प्लान जान जाएगा। सो वेन 7 o'clock केम डांटर्स अगोनी रियली बिगेन, ही हैंड प्लेस्ड अपॉन हिज हार्ट वॉज अनेबल टू रिड्रेस इट्स थ्रोबिंग वाइल विथ अदर ही वाइप द प्रेस्पायरेशन फ्रॉम हिज टेम्पल्स। मीन्स कि जैसे ही 7 बजता है तो वो जो डांटर्स होता है ना वो कहाँ होता है, एक बोरी में होता है, तो उसको उसका जो हाथ होता है वो अपने दिल पर रख लेता है, ठीक है, और उसको गर्मी होने लगती है कि अब ये क्या है काफ़ी मीन्स कि ये अगर 7 बजेगा तो कुछ गलत ना हो, मीन्स कि 7 बजे क्या होता था उसको खाना देने के लिए कुछ जेलर आते थे, ठीक है, तो वो सोचता था कि अगर 7 बज रहा है एक्चुअली में अगर मुझे जान जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, मेरा प्लान फेल हो जाएगा, इसीलिए वो क्या कर रहा था, उसका जो दिल है ना मीन्स कि जोरों से धड़क रहा था और वो दूसरे हाथों से क्या कर रहा था, ही वाइप द प्रेस्पायरेशन मीन्स कि अपने गर्मी को पोछ रहा था फ्रॉम हिज टेम्पल्स मीन्स कि अपने टेम्पल्स मीन्स कनपट्टी से। एट द हावर्स पास्ट ऑन विदाउट एनी अनयूजुअल डिस्टर्बेंस, जैसे ही घंटों बीत गए कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, कोई भी नहीं जाना, एंड डांटेस न्यू दैट ही हैड एस्केप द फर्स्ट पेरिल। इसके बाद जो डांटे हैं वो जान गया एक्चुअली में कि चलो मैं पहला जो फेज था जो खतरा था वो टल गया है, क्योंकि जब जेलर गया वहाँ पर नहीं पहचान पाया। एट द लेंथ फुट स्टेप वर हियर्ड ऑन द स्टेयर एडमोंड फेल दैट द मोमेंट हैड अराइव्ड समंड ऑफ ऑल हिज करेज हेल्ड हिज ब्रेथ। इसके बाद से जैसे ही वो बोरी में सोया हुआ था तो वो सुनता है कि 2 से 3 लोग क्या होते हैं उनके पैरों की आने की आवाज़ सुनाई दे रही है सीढ़ियों से, यानी इसके बाद से वो सोचता है कि अब टाइम आ गया है कि मुझे जितनी भी मेरे अंदर करीज है मीन्स की ताकत है मुझे दिखानी होगी, ताकत का मतलब कि एक्चुअली में यहाँ पर साहस दिखानी होगी, हेल्ड हिज ब्रेथ और अपने सांस को रोकना होगा। इसके बाद से क्या होता है, वुड हैव बीन हैप्पी इफ एट द सेम टाइम ही कुड हैव प्रेस्ड द थ्रोबिंग ऑफ हिज वेंस। इसके बाद से वो सोचता है कि अगर जैसे ही मैं सांस रोकूंगा अगर उसी वक्त मेरे हाथ के जो धमनियाँ होती है मीन्स की जो नस होती है उसको लोग पकड़ेंगे तो मैं नहीं पकड़ा जाऊँगा क्योंकि वो लोग मरा हुआ समझेंगे। द फुट स्टेप्स दे वर डबल पोस्ट एट द डोर एंड डांटेस गेस दैट द टू ग्रेव डिगर्स हैड कम टू सीक हिम। दिस आइडिया वॉज सून कन्वर्टेड इन टू द सर्टेंटली वेन ही हियर द नॉइज दे मेड इन पुटिंग डाउन ऑन बियर। यानी
क्या होता है कि उसने क्या सुना, मीन्स कि दो या तीन लोगों की आवाज़ सुना जूतों की आने की। इसके बाद से कुछ इंसान थे, कुछ जो इंसान थे वो दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं और कुछ लोग थे जो उसके पास आते हैं। इसके बाद से जो ग्रेव डिगर होते हैं, कब्र खोदने वाले होते हैं, उस लाश को ढूंढते हैं, ठीक है। और इसके बाद से उसको ढूंढ के वो लोग क्या करने वाले थे, उसको फेंकने वाले थे। तो एक्चुअली में बियर मीन्स होता है यहाँ पर अर्थी। तो जो लाश बना हुआ था ना, जो डेंटिस्ट था, वो एक्चुअली में एक अर्थी था। तो वो लोग क्या करते, उसको उठा के लेके जाते। द डोर ओपेंड एंड डिम लाइट रिस्ट डेंटिस्ट आइज थ्रू द कोर्स सैक दैट कवर्ड हिम। मीन्स कि एक जो इंसान था उसमें वो लाइट जला रहा था, और जो लाइट थी, जो डांटस था, उस बोरी के छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उसके थ्रू वो देख रहा था। ही सॉ टू शैडोज अप्रोच हिज बेड, और वो देखा कि जो दो लोग थे उसके बेड की तरफ जा रहे थे। द थर्ड रिमेनिंग एट द डोर, और जो तीसरा पर्सन था वो डोर पर, मीन्स कि दरवाजे पर खड़ा था, विद अ टॉर्च इन इट्स हैंड, उसके हाथ में एक टॉर्च भी थी। द टू मैन अप्रोचिंग द एंड्स ऑफ द बेड टुक द सैक बाई एक्सट्रीमिटीज, मीन्स कि वो फील कर रहा था कि जो दो लोग हैं उसके जो बेड है उसको कोई उठा रहा है, ठीक है। इट्स हैवी, ही इज हैवी दो फॉर एन ओल्ड मैन, थीन मैन, सैड वन एज ही रेज द हेड, मीन्स कि वो दो लोग थे जिसको बोरी को एक एक किनारे से उठा रहे थे, और उसमें से एक इंसान कहता है, ठीक है, कि मैंने हेड को उठाया, मीन्स कि मैं सर के तरफ हूँ और मैं सर को उठाया हूँ। दे से एवरी ईयर एट्स हाफ अ पाउंड टू वेट ऑफ द बोन्स, और वे आपस में बात कर रहे थे कि हमारी जो शरीर की जो हड्डियाँ होती हैं, हाफ पाउंड मीन्स कि लगभग आधा केजी, मीन्स कि हाफ केजी बढ़ता रहता है उसकी जो वजन होती है। सेड अनदर लिफ्टिंग द फीट, हैव यू टाइड द नॉट, इंक्वायर द फर्स्ट स्पीकर। इसके बाद से उसी में से इंसान कहता है कि क्या तुमने वो जो बोरी की, हम बोल सकते हैं जो किनारा होता है, जो इंड होता है, क्या उसको बांधा है। What would be the use of carrying so much more weight? Was the reply, I can do that when he get there. वो कह रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा वेट उठा रहे हैं, काफ़ी भारी है। Yes, you are right, replied the companion. What the not for? Thought Dantes. Dantes जो था वो सोच रहा था, not क्या, not का मतलब क्या, एक तरह का गांठ होती है, ठीक है, या एक तरह का कोई चीज़ है, देखते हैं आगे। They deposited the supposed corpse on the bier. Edmund stiffened himself in order to play the part of the dead man. यानी क्या हुआ, वो जो लाश था वो क्या करते हैं, एक अर्थी पर रखते हैं, और जो एडमोंड था, यानी जो डांटेड एडमोंड डांटेड था, वो एक्चुअली में मरे हुए इंसान की तरह एक्ट कर रहा था, मरे हुए इंसान की तरह वो बहाना बनाया था। एंड देन द पार्टी लाइटेड बाई द मैन विद द टॉर्च, इसके बाद से क्या होता है कि जो इंसान होता है, पार्टी जो लाइट होती है उसी तरह उसका टॉर्च था, वो अपने टॉर्च को जलाता है। हु वेन फर्स्ट असेंडेड द स्टेयर्स, वो क्या किया, वो जो इंसान था पहले सीढ़ी पर चढ़ना शुरू किया। सडनली अचानक ही फील द फ्रेश एंड साफ नाइट एयर, इसके बाद से अचानक फील करता है कौन, जो एडमोंड डांटेस था वो फील करता है कि उसको फ्रेश हवा आ रहा है, मीन्स कि वो बाहर निकल गया था उस कारागार से। इट वॉज अ सेंसेशन इन विच प्लीजर एंड पेन वर स्ट्रेंजली मिंगल्ड, मीन्स कि उसको इतना अच्छा लग रहा था, जितने भी पेन थे उसके दिमाग में या जितनी भी घबराहट थी वो दूर हो जाती है। द बियरर्स वेंट टू द 20 पेसेस देन स्टॉप्ड पुटिंग द बियर डाउन ऑन द ग्राउंड, इसके बाद से जो कब्र खोदने वाले थे वो लोग क्या करते हैं, 20 कदम लगभग आगे जाते हैं, इसके बाद से वहाँ पर रुक जाते हैं और वहाँ पर अर्थी को रख देते हैं जमीन पर। वन ऑफ देम वेंट अवे, इसके बाद से एक जो इंसान था उसको रखकर कहीं थोड़ा सा दूर चला जाता है। एंड डांटर्स हियर दिस शूज स्ट्राइकिंग ऑन द पेवमेंट, और जो डांटर्स था मीन्स की वो सोच रहा था, उस मीन्स की वो सुन रहा था उस इंसान के चलने की आवाज़, क्योंकि उसके जूते थी वो आवाज़ दे रहा था। वेर एम आई, डांटेस आस्क हिमसेल्फ, जो एडमोंड डांटेस है वो जो बोरे में सोए हुआ था वो सोचता है कि मैं कहाँ हूँ एक्चुअली में अभी। गिव अस अ लाइट, सेड वन ऑफ द बियरर्स, उसी में से एक हम बोल सकते हैं इंसान ने कहा कि मुझे लाइट दो, और आई शैल नेवर फाइंड व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, और वो कह रहा है कि मुझे नहीं पता है कि वो इंसान क्या खोज रहा था, लाइट क्या मांग रहा था। द मैन विद द टॉर्च कंपाइल्ड, व्हाट कैन ही बी लुकिंग फॉर, थॉट एडमोंड। एडमोंड सोचता है कि एक्चुअली में वो जो इंसान है वो क्या खोज रहा होगा। द स्पेड परहैप्स, और वो कहता है कि शायद वो फावड़ा खोज रहा होगा।
And exclamations of satisfaction indicated that the grave digger had found the object of his search. इसके बाद से लास्ट में क्या होता है कि जो इंसान होता है जो जिसको फेंकने आए होते हैं ठीक है, वो जो इंसान होते हैं सब उनको जो सर्च कर रहे होते हैं खोज रहे होते हैं उनको मिल जाता है. Here it is at last, he said. As he said this, the man come towards Edmund. यानी जैसे वो कहा कि मुझे मिल गई जो मैं खोज रहा था, तो वो लोग क्या होते हैं चले आते हैं इस लाश के पास. Who heard a heavy metallic, लाश नहीं है सॉरी, क्योंकि उसका फ्रेंड अभी जीवित रहता है, वो बहाना बनाया होता है. Who heard a heavy metallic substance laid down beside him. इसके बाद से क्या होता है कि ये जो हैवी सब्सटेंस है यहाँ पर देखिए ये बनाया गया है गोला सा, ये क्या होता है मेटालिक होता है, क्योंकि ये इसलिए लगाया गया है कि ताकि अगर इसको फेंका जाए समुद्र में तो वो अच्छे से ज़मीन पे जाकर बैठ जाए और ये कभी भी जीवित ना बचे, या हम बोल सकते हैं ये ऊपर ना आए, इसलिए ये मेटालिक हम बोल सकते हैं लगाया गया था सर्कल. इसके बाद से क्या होता है, अ कोट वॉज फास्टेंड राउंड हिज फीट विद द सडन एंड पेनफुल वायलेंस. इसके बाद से क्या होता है, इसको लोहे वाला होता है ना ये, इसको बांध दिया जाता है इसके पैर में. Well, have you tied the knot? Inquired the grave digger who was looking on. Means को जो दूसरा इंसान है वो पूछता है क्या तुमने उसको बांध दिया, तो वो कहता है हाँ yes and pretty tight too, और मैंने काफ़ी टाइट भी बांधा है. I can tell you was the answer. Move on. Then and the bear was lifted once more and they proceeded. इसके बाद से क्या हुआ, वो अर्थी को उठाते हैं एक बार और वो आगे चलना शुरू कर देते हैं. They advanced 50 paces further. And then stopped to open a door, then went forward again. इसके बाद से क्या होते हैं, एक जगह ऐसे पहुंचते हैं जिनको वहाँ पर दरवाज़ा खोलना होता है, दरवाज़ा खोलते हैं और थोड़ा सा और आगे जाते हैं और वहाँ पर रुक जाते हैं. The noise of the waves dashing against the rocks on which the seta was built reached Dante's ear distinctly as they went forward. Means कि जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो जो एडमोंड डांटस रहता है उसको लहरों की आवाज़ सुनाई देती है, मीन्स कि समुद्र के लहरों की आवाज़ सुनाई देती है. वेल हियर वी आर एट लास्ट साइड वन ऑफ द बीरस. इसके बाद से जो वहाँ पर ले जाने वाला था उसको, यानी उस लाश को मीन्स कि एडमोंड को, तो वो कहता चलो ठीक है हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं. एट लिटिल फर्दर, इसके बाद थोड़ी आगे क्या होता है, अ लिटिल फर्दर साइड अदर दे असेंडेड 5 or 6 मोर स्टेप्स. इसके बाद से फिर से दूसरा कहता है कि थोड़ा सा और आगे इसको ले चलो. And the Dantes felt that they took him, one by the head and the other by the heels and swung him into the fro. इसके बाद से जो Dantes है वो सोचता है, मीन्स को महसूस कर रहा होता है कि एक जो इंसान है उसको सर की तरफ से उठाया हुआ और एक जो इंसान है उसके पैर की तरफ से उसको उठाया हुआ है ठीक है, और वो क्या कर रहे हैं हवा में उसको झुला रहे हैं. One said that grave diggers 2-3. इसके बाद से जो लोग ले गए रहते हैं यहाँ पर ले जाए रहते हैं, देखिए यहाँ पर वो लोग क्या करते हैं इसको हवा में ऐसे ऐसे स्विंग करते हैं और इसको फेंकने की प्लानिंग करते हैं इसको इस समुद्र में, यहाँ पर इस समुद्र में ठीक है इस तरह से. तो वो कहता है कि मैं अगर 3 तक काउंट करूँगा तुम उसको फेंक देना. एंड एट द सेम इंस्टेंट Dantes felt himself flung into the air like a wounded bird falling with the rapidity that made his blood curdle. इसके बाद वो महसूस करता है जो Dantes रहता है कि वो उसकी जो बॉडी है वो कहाँ है, हवा में है ठीक है, और उसकी जो बॉडी है वो नीचे जा रही है, मीन्स कि काफ़ी तेज़ी से नीचे जा रही है, क्योंकि उसके पैर में लोहे का बोल सकते हैं एक तरह सा लोहे का कुछ चीज़ बांधा हुआ था जिससे कि उसकी जो बॉडी थी और भारी हो गई थी. अल्दो ड्रॉन डाउनवर्ड्स बाय द हैवी वेट विच हस्टेंड हिज रैपिड डिसेंट इट सीम टू हिम एज इफ द फॉल लास्टेड फॉर अ सेंचुरी. एट लास्ट विद द हॉरिबल स्प्लैश ही डार्टेड लाइक एन एरो इनटू द आइस कोल्ड वाटर. इसके बाद से क्या होता है, जैसे ही वो नीचे जाता है मीन्स कि बहुत ही तेजी में, बहुत ही स्पीड में, रेपिडिटी में, तो वो जाके समुद्र में छपाक से गिरता है, स्प्लैश की आवाज़ आती है ठीक है, और वो जो पानी था समुद्र का वो काफ़ी कोल्ड था, काफ़ी ठंडा था. एज ही डिड सो ही अटर्ड अ श्रिल क्राइज स्टिफीड इन द मोमेंट बाय हिज इमर्जेंस बीनीथ द वेव. इसके बाद जैसे ही वो पानी में गिरता है तो उसकी आंसू आ जाती है, मीन्स कि वो काफ़ी भावुक हो जाता है, काफ़ी इमोशनल हो जाता है. Dantes has been flung into the sea and was dragged into its depth by the 36-pound sword tied to his feet. और उसके पैर में जो लोहे का बांधा हुआ था उसकी वजह से वो पानी के नीचे जा रहा था, पानी में गिरने के बाद वो पानी के नीचे जा रहा था, सतह पर जा रहा था. द सी वाज द सिमेट्री ऑफ द सेट आउट इफ, मीन्स कि उस किले पर जिसको जो मर जाते थे ठीक है, उनके लिए जो कब्रिस्तान था ना वो क्या था, समुद्र था, मीन्स कि उनके लाशों को उस समुद्र में फेंक दिया जाता था जो इफ नामक जगह है.
तो ये थी पूरी नोवल में। अब आप सोच रहे होंगे कि एक्चुअली में अब आगे क्या होता है, अगर उसकी वो जीवित रहता है तो उसको अगर समुद्र में फेंक दिया जाता है तो वो मर जाता है कि बच जाता है। तो इसकी जो नोवल है ना एक्चुअली में वो कई पार्ट में है, अगर ये इतना ही नोवल में है, मीन्स कि इस चैप्टर में इतना ही है, अगर आप नेक्स्ट और पढ़ेंगे तो उसके बारे में पता चलेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ एक्चुअली में जो एडमोंड रहता है वो नेक्स्ट नोवल में क्या होता है, उसकी जो जान होती है वो बच जाती है। क्यों बच जाता है? क्योंकि वो उसके पास कुछ तरीके होते हैं कि जब वो समुद्र के नीचे जाता है तो उससे वो क्या होता है, सर्वाइव करके किसी तरह से वो किनारे पे आने की कोशिश करता है, और इसी तरह से क्या होती है उसकी जो जान होती है लास्ट में बच जाती है। अगर आपको इस नोवेल को और पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, जिसका नाम है एक्चुअली में द काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो, इस बुक का नाम है, इस नोवेल का नाम है, और ये जो नोवेल है कई पार्ट में है, आप पढ़ेंगे काफ़ी अच्छा लगेगा। मीन्स कि जो हम बोल सकते हैं यहाँ पर ये जो रहता है ना एडमोंड रहता है वो बच जाता है लास्ट में। सो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।